न्यू कार परचेज करने में कंफर्ट फीचर्स, लुक और सेफ्टी के साथ में माइलेज भी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है और आफ्टर परचेज पॉकेट फ्रेंडली माइलेज होना लॉन्ग टाइम के लिए बेनिफिट देता है, क्योंकि एक बार आप प्राइस किसी भी सेगमेंट किसी भी बजट की परचेज करें, बाद में उसके फ्यूल पर डिपेंड करता है कि वो आपकी पॉकेट के लिए कितनी फ्रेंडली है। और यहाँ पर पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी गाड़ियाँ मच बेटर होती हैं, लेकिन एक बात को तो आप भी मानेंगे, पेट्रोल से कंपेयर करने पर सीएनजी में पावर थोड़ा कम मिलता है, लेकिन सीएनजी के अलावा भी पेट्रोल के साथ आने वाला एक ऐसा सिस्टम जो कि आपको माइलेज सीएनजी की तरह देता है, लेकिन माइलेज आपको सीएनजी ही नहीं पेट्रोल से भी प्लस मिलता है, और ये है गाड़ियों में हाइब्रिड का ऑप्शन। और फिलहाल में ये ऑप्शन काफी पॉपुलर भी है, बस एक दिक्कत है कि ये ऑप्शन की गाड़ियाँ पेट्रोल गाड़ियों से सीएनजी गाड़ियों से महंगी होती हैं। लेकिन अब आपके लिए गुड न्यूज़ है, अगर आप न्यू कार परचेज करने वाले हैं तो एनवायरमेंट फ्रेंडली हाइब्रिड गाड़ियों का प्राइस अब आपको कम मिलने वाला है, क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्कीम स्टार्ट की है जिससे कि हाइब्रिड गाड़ियों पर लगने वाली रजिस्ट्रेशन फीस को पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। तो किन किन गाड़ियों पर आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है, फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। साथ ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो एनवायरमेंट फ्रेंडली और माइलेज फ्रेंडली हाइब्रिड गाड़ियों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने ऐसी गाड़ियों पर लगने वाले रजिस्ट्रेशन फीस यानी पंजीकरण शुल्क को पूरी तरह से माफ कर दिया है, और इस कदम से मारुति सुजुकी इंडिया, टोयोटा मोटर्स और होंडा कार्स जैसी कंपनियों को फायदा होने वाला है। यानी सीधे सीधे जो कंपनियां हाइब्रिड व्हीकल्स पेश करती हैं उन गाड़ियों के दाम कम होने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी सरकार ने हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों यानी HEV और प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों यानी PHEV के लिए पंजीकरण शुल्क में 100% छूट का ऐलान किया है, और दोनों ही तरह की हाइब्रिड गाड़ियां यानी HEV और PHEV एक इंटरनल कंबशन इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करती है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है HEV और PHEV के कि PHEV में एक बड़ी बैटरी होती है जिसे आपको बाहर से इलेक्ट्रिक से चार्ज करना होता है, और इन कंपनियों की ये कारें हैं फिलहाल में हाइब्रिड, जैसे कि मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा SUV और इनविक्टो MPV, जबकि टोयोटा इसे अर्बन क्रूजर हाई राइडर SUV और इनोवा हाई क्रॉस MPV में देती है, होंडा इसे सिटी EHEV सेडान में पेश करती है। तो यूपी सरकार द्वारा HEV पंजीकरण शुल्क माफ करने के बाद राज्य में कस्टमर्स के लिए सुजुकी इनविक्टो और टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस पर लगभग 3 लाख रुपए तक का बेनिफिट होने वाला है। तो मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर और होंडा सिटी EHEV पर 2 लाख रुपए तक का जबरदस्त बेनिफिट होगा। तो मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर एक ही हाइब्रिड पावर ट्रेन का इस्तेमाल करती है, और इनमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, 92 PS पावर, 122 Nm टॉर्क के साथ में एक इलेक्ट्रिक मोटर, 80 PS पावर, 141 Nm के साथ में, और हाइब्रिड सिस्टम के साथ मैक्सिमम पावर आउटपुट 116 PS है। ट्रांसमिशंस के लिए ECVT ट्रांसमिशंस मिलता है, जबकि मारुति सुजुकी इनविक्टो और टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस जो रीबेस वर्जन है, इनके हाइब्रिड पावर ट्रेन में 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो ECVT से जुड़ा हुआ है। पावर की बात करें तो 186 PS पावर है, और इंजन पावर 152 PS, मोटर पावर 113 PS है, और इंजन टॉर्क 188 Nm और मोटर टॉर्क 206 Nm है। बात करें होंडा सिटी की तो होंडा सिटी EHEV में 1.5 लीटर का इंजन है, 98 PS पावर, 127 Nm टॉर्क है, कुल मिलाकर आउटपुट 126 PS है, दो इलेक्ट्रिक मोटर है, कार एक ECVT ट्रांसमिशंस का इस्तेमाल करती है। तो अगर आप हाइब्रिड ऑप्शंस में चाहते हैं तो इन गाड़ियों को आप परचेज कर सकते हैं कम दाम में, और अगर आप फिलहाल में किसी भी ब्रांड की हाइब्रिड कार को यूज कर रहे हैं तो उसके बारे में अपने एक्सपीरियंस चैनल के साथ शेयर करना ना भूलें। इसके लिए आप हमें मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, मेल आईडी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहां से कॉन्टैक्ट करके आप चैनल पर अपने एक्सपीरियंस को सभी सब्सक्राइबर के साथ लाइवली शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं ऑटोमोबाइल वर्ल्ड्स की हर लेटेस्ट न्यूज, इन्फॉर्मेशन, रिव्यूज और अपडेट के साथ। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ।